हमारे बहुत ही सम्मानित लोकप्रिय युवाओं के दिलों की धड़कन माननीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज सबके जाने माने श्री गुलाम नबी आजाद जी, हमारे कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव जी, हमारे पूर्व सांसद वर्किंग कमेटी के मेंबर श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, यहां से हमारे प्रत्याशी श्री आफताब अहमद जी, श्री मोहम्मद इलियास जी, मोहम्मद इसराइल जी, डॉक्टर शमसुद्दीन जी, सुखबीर कटारिया जी, ममन इंजीनियर जी, मीडिया के हमारे साथीगण यहां उपस्थित, मेरी प्यारी बहनों, मेरे नौजवान साथियों और मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, आज आप सबका जोश इस बात का प्रतीक है कि आज राहुल गांधी जी के प्रति आपके दिल में कितना प्यार और कितना मान है। मैं आप सब की ओर से, हरियाणा वासियों की ओर से और अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से सम्माननीय श्री राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं यहां इस धरती पर। माननीय राहुल जी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज आप यहां हमारे बीच में आए हैं, इस धरती पर अपना संदेश देने के लिए, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। हमारे यहां के भाई, मेरे भाई, हमारे इतने ये नेशनलिस्ट लोग हैं, हमेशा ये देश के लिए खड़े रहे हैं, अग्रणी होकर खड़े रहे हैं। साथियों, आज हमारे सबके लिए एक इम्तिहान की घड़ी है। इस इम्तिहान की घड़ी में हमारे सबके सामने दो विचारधाराओं का संघर्ष है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। आज हरियाणा के लोगों ने दिखाना है कि हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी के साथ हमेशा खड़ी रही है। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। साथियों, पिछले 5 साल में आपने हरियाणा में ऐसी राजनीति देखी, ऐसी दमनकारी सरकार देखी कि पहली बार ऐसा हुआ कि हरियाणा की धरती पर 3 बार गोलियां चली और केंद्र से आर्मी तक बुलानी पड़ी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि ये नतीजा इस भारतीय जनता पार्टी की सोच का, भाई को भाई से अलग करने की जो साजिश है, उसका एक, उस एजेंडा का एक हिस्सा रहा है। साथियों, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हरियाणा को कुछ नहीं दिया। विकास की बात कही, सबके साथ की बात कही, लेकिन ना किसी का साथ लिया, ना कोई विकास करके दिखाया। पूरे हरियाणा में विकास नहीं किया और हमारे इस मेवात में तो बिल्कुल ही विकास नहीं किया, क्योंकि ये इनकी विचारधारा के विपरीत है। इनकी विचारधारा है कि लोगों का काम करो ना करो, जुमलेबाजी करो और 5 साल बाद फिर ऐसी बातें कहो जो भाई को भाई से अलग करे। आज फिर इन्होंने इस तरह की बातें छेड़ी हैं। साथियों, आप सब ने इनकी असलियत को पहचानना। हम क्या मांगते हैं, हमारा नौजवान क्या मांगता है? हमारा नौजवान मांगता है कि शिक्षा हो, हमारा नौजवान मांगता है कि उसको रोजगार मिले, हमारा नौजवान चाहता है कि उसका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के
पांच साल का अगर हम रिपोर्ट कार्ड लें तो इन्होंने कुछ नहीं दिया है। आज के दिन अगर हरियाणा जाना जाता है तो वो बेरोजगारी में नंबर वन जाना जाता है। अगर हरियाणा जाना जाता है तो वो दमनकारी नीतियों के तहत अपराध में नंबर वन जाना जाता है। साथियों, बहुत सी बातें हैं कहने की, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन दो तीन बातें जरूर कहना चाहूंगी कि हम लोग, हमारी पार्टी ने, कांग्रेस ने, पहले भी आपने मौका दिया और हमने मेवात के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आने वाले वक्त में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये तय है कि कांग्रेस की सरकार अब बनने जा रही है और इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। साथियों, आने वाले वक्त में हमने अपना संकल्प पत्र, हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया है अभी दो दिन पहले। अनेकों बातें कही हैं युवाओं के रोजगार के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे बुजुर्ग जिनको पेंशन चाहिए, महीनों महीनों इनकी पेंशन नहीं आती है। पांच साल पहले कहा था कि पेंशन 2000 रुपया करेंगे, घसीट घसीट कर 5 साल लगा दिए। साथियों, हमारा आपसे वायदा है, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और आगे भी करके दिखाएगी। बुजुर्गों की पेंशन हम 5100 रुपया प्रति महीना करके देंगे आपको। और साथियों, रोजगार की बात होती है, हम आपसे वायदा करते हैं कि जो भी रोजगार होंगे स्थानीय लोगों को, 75% हमारे लोकल बच्चों को रोजगार मिलेगा, ताकि ये नहीं हो कि नौकरी यहाँ पर करनी हो और बाहर से लोगों को नौकरी मिले, ऐसा नहीं होने देंगे हम। साथियों, मेवात विकास बोर्ड जिसका गठन किया था, मेवात विकास बोर्ड में हम आपसे वायदा करते हैं कि नौकरियों में यहाँ के 50% लोगों को, यहाँ के लोगों को हम आरक्षण उसमें देंगे। मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज है नूह में, जो कि हरियाणा वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित है, उसको हम यूनिवर्सिटी में अपग्रेड करके देंगे, ताकि हमारे यहाँ के बच्चों को पूरा पूरा फायदा मिले। साथियों, इसके अलावा चाहे हमारी महिलाएं हैं, चाहे हमारा कोई भी वर्ग है, सबके लिए हमने आपको ऐसी सौगात देनी है कि ये 5 साल जो इन्होंने किसी वर्ग के लिए, ना युवा के लिए कुछ किया, ना बुजुर्गों के लिए किया, ना महिलाओं के लिए किया, ना कर्मचारियों के लिए किया, ना दलित पिछड़े वर्ग के लिए कुछ किया, तो साथियों अब समय आ गया है। हमारा आपको वायदा है, कांग्रेस पार्टी का आपको वायदा है कि हमने आपके लिए जो बातें कही है वो करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कल ही अपना घोषणा पत्र जारी किया। पांच साल पहले इन्होंने आपसे 150 झूठ बोली थी, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। एक भी वायदा अगर पूरा किया हो तो बता दें, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आए, आप पूछिएगा उनसे। और कल इन्होंने आपसे 250 झूठ बोल दिया है, 250 झूठ। अगर इन्होंने 5 साल में कुछ भी किया होता तो ये आपके सामने लेकर आते, अपने उपलब्धियों के आधार पर ये वोट मांगते, लेकिन इन्होंने कोई उपलब्धि नहीं की है। आज कभी 370 की बात करेंगे, कभी NRC की बात करेंगे। अरे हम तो कहते हैं, माननीय मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हरियाणा के लोगों को तो पहचानिए, आप मेवात के लोगों को तो पहचानिए, आप गुड़गांव के लोगों को तो पहचानिए, इनकी बात तो करिए, बाहर की बात आप बाद में करिएगा, पहले हमारे हरियाणा के लोगों को तो बात करिए। साथियों, एक बात और, महिलाओं के प्रति हमारे मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी की क्या सोच है, ये आप पहले भी देख चुके हैं। अगर उनसे कोई पूछे 370 का क्या मायने है, तो वो महिलाओं की बात करते हैं कि कोई भी आप वहां से लड़की लेकर आ सकते हो, ये उनकी ओछी सोच है। और कल मैं इस मंच से
मैं इस मंच से चेतावनी देना चाहूंगी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को कि कल जो आपने एक ओछी टिप्पणी की है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है महिलाओं के प्रति, हमारी माननीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति हरियाणा के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे, महिलाएं आपको कभी माफ नहीं करेंगी, पूरा समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। तो साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए आखिर में सिर्फ एक आप एक नंबर नोट कर लीजिए, आप नंबर नोट कर लीजिए जिसके पास भी मोबाइल नंबर है। हरियाणा कांग्रेस ने देश में पहल की है कि हमारा जो घोषणा पत्र है वो आप लोगों की प्रॉपर्टी है। जो हमने आपसे कहा है, एक एक नागरिक को अधिकार है कि वो जाने कि कांग्रेस आपके लिए क्या कह रही है और क्या करके दिखाएगी। आप नंबर नोट कीजिए, 93-55-333-011। फिर बोलती हूँ, 93-55-333-011। इस पर आप डायल करेंगे, टोल फ्री नंबर है। आपको हमारे हरियाणा के घोषणा पत्र का एक एक बात आपको पता चल जाएगी कि हमने आपके लिए क्या बोला है, और आपने इनको असली जगह दिखा देनी है, इनको यहाँ से पार करना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आपने बनानी है। एक बार फिर मैं माननीय राहुल जी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। शुक्रिया बहन जी।